बाकी साथियों को भी समय हो गया है, 4:30 पे समाप्त करना था और 4:32 हो गया, इसलिए निगेटिव में मामला चल रहा है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। एक तो ये कि जो हमारे साथियों ने बात यहाँ पर रखी, बहुत पॉइंटेड बात रखी, बहुत अच्छे सजेशन सभी साथियों के यहाँ पर आए हैं। विजय प्रताप जी को भी बोलना था लेकिन वे शायद सच्चर साहब का जो हुआ है उसके साथ व्यक्तिगत जो उनको जुड़ाव था उसके चलते वो अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से उन्होंने एक बात बोलने के लिए मुझे कहा है कि जब भी हम जयपुर में देश संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम में थे तो एक सजेशन उन्होंने दिया था कि देश के हर नागरिक को, कम से कम हर परिवार को एक संविधान के प्रति भारत सरकार उपलब्ध कराए, ये हम लोगों का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो एक सुझाव के तौर पर मैं रखता हूँ, तो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें भी उसे शामिल रखेंगे और आगे की जो भी प्रोग्राम चलेंगे वो भी उसका एक हिस्सा साथियों रहेगा। संविधान तो बहुत बड़ा मसला है, बड़ा ग्रंथ है और उसका जो प्रस्तावना है वो सामने लिखा हुआ है, आगे अगर लिखा रहता तो लोग उसको देखते रहते, लेकिन शायद वो क्या मराठी में है। लेकिन मेरा कहना यह है कि संविधान की प्रति जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी, लेकिन क्या हम लोग जो संविधान का प्रस्तावना है, क्या ये हम अधिक से अधिक, जो कि एक पेज भी नहीं आधा पेज है, मतलब A4 के अगर आधा करके हम लोग पर्चे छपवाएं जो कि मुश्किल से 300 रुपए में 1000 छपते हैं, मैं बहुत ठोस बात कर रहा हूं कि यहां पर जो भी संगठन बैठे हैं या जो भी व्यक्ति बैठे हैं सबकी हैसियत है कि हम 5-10 हजार पर्चे उसके बना सकते हैं बहुत आसानी से, और वो पर्चे अपने संगठन के नाम से या अपने नाम से हम लोग छपवाएं, और ये प्रस्तावना देने के बाद में हमको उसके अंदर ये लिखना पड़ेगा कि जो हम भारत के लोगों ने ये आप समर्पित किया है संविधान अपने आप को, एक बात तो ये है, मतलब ये है कि ये संविधान कोई भले ही कुछ संविधान सभा के अंदर बना हो लेकिन ये हम भारत के लोगों के द्वारा ही तैयार और उन्हीं के लिए आप समर्पित है, इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है। और इसमें जो ये कहा गया है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमें ये बताना पड़ेगा कि आजादी से लेकर आज तक 70 सालों में ये न्याय नहीं मिला है। इसी तरीके से हमें उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सब जानते हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त नहीं है। उसी तरीके से जो विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है वो आज लोगों को मिली हुई इस देश के अंदर नहीं है, उसके रोज इसका एंक्रोचमेंट हो रहा है, रोज इसके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये आप और हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से प्रतिष्ठा और समता के अवसर और इस सबसे आगे बढ़ करके कि इस देश को एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता, कुल मिलाकर के सरकारें जो काम कर रही हैं, मतलब रूलिंग पार्टीज जो काम कर रही हैं, वो संविधान विरोधी काम कर रही हैं। ये बात को हम लोगों के बीच में पहुंचाना और उसको एस्टेब्लिश करना, क्योंकि यहां पर बात पॉलिटिक्स की भी जो कही गई थी, तो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स इस समय यही है कि जो कुछ चल रहा है वो अलग अलग टुकड़ों में चल रहा है, लोग उससे भयभीत है, परेशान है, आक्रोशित है, कुंठित भी है, कुछ लोग निराश भी है, लेकिन लोगों को इस बात का इल्म पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा कि जो कुछ चल रहा है ये भारत के संविधान, जो कि आजादी के आंदोलन या 1.5 लाख शहीदों की जो कुर्बानी जो हुई थी उनका जो सपना था उसका ये सार संक्षेप है। मेरा मतलब ये है कि एक संविधान है केवल कागज है, एक डॉक्यूमेंट है, इससे आगे बढ़ करके ये फ्रीडम मूवमेंट 150 साल का कहो या 250 साल का कहो, इस पूरे मूवमेंट का ये एक सार है। और अगर हमको देश की आजादी के मूल्यों को बचा के रखना है तो फिर ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम इसको बचाकर रखने का काम कर सकते हैं। ये बात हमको लोगों के बीच में पहुंचाना जरूरी है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर होना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो बात बार बार कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब दिन भर बोल चुके हैं, तो केवल उनको रिपीट करने की बात करूंगा मैं, कि चाहे वो जो मूल्यों की बात इसके अंदर कही है, न्याय की बात, स्वतंत्रता की बात, बंधुता की बात, समता की बात जो कही है, इन मूल्यों के बारे में जो बाबा साहब ने जो बात कही थी कि या तो ये मूल्य एक साथ चलेंगे या एक साथ गिरेंगे, तो इसमें सेपरेशन जैसा कुछ नहीं है कि
कि आप केवल लोकतंत्र छोड़ दो समता चलेगा, या आप बंधुता छोड़ दो और उसके बाद लोकतंत्र चलेगा, या तो सब चलेगा या सब डूबेगा। ये जो पूरी बात है, हम लोगों को ये लोगों के बीच में पहुंचाना और वो आत्मसात कर सके इस तरीके से कन्विंस करने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, मैं इसमें जो प्रोग्राम्स आ गए उसके अंदर एक और प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम्स तो आपके सामने तीन चार रख दिए थे, इसमें बिहार से साथी शाहिद कमाल जी है, उनका भी फोन आया था और उन्होंने बताया कि चंपारण की जो दो यात्राएं उन्होंने की उसके बाद में लोगों ने तय किया कि हम पूरे के पूरे बिहार के अंदर एक साथ पर्चे लेकर के और हर तरीके से एक दो महीने का अभियान चलाने का काम करेंगे जुलाई अगस्त में, और उसके बाद में 30 सितंबर को वहां पर एक सम्मेलन हम करेंगे इन मूल्यों को लेकर के, संविधान से जुड़े हुए मूल्यों को लेकर के। उनकी उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरफ से, बिहार की कमेटी की तरफ से, बिहार के अंदर जो साथी हम समाजवादी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से इस बात का यहाँ पर मैं घोषणा करूं कि इस तरीके का जो बिहार का कार्यक्रम होगा उसके अंदर आप सब साथी आमंत्रित रहेंगे, और जो कमिटमेंट है वो मुझे लगता है कि वो जो पूरा उनका एक दो महीने का चलेगा, तो यहाँ पर जो भी साथी हैं मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि जब वो साथी इस मुद्दे को लेकर के 15-15 दिन की दो यात्राएं कर चुके और अब दो महीने का कैंपेन उन्होंने प्लान किया है, और अभी जो स्थिति बिहार के अंदर कुछ जिलों में जिस तरीके के दंगे फसाद हुए और जो पूरा वहां का सोशल फैब्रिक बिगाड़ने का जो काम चल रहा है, पोलराइजेशन करने का जो काम चल रहा है, उसके चलते मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम में से कुछ साथियों को समय देना चाहिए बिहार में। उस समय जब वो कैंपेन करेंगे तो यहां से कुछ साथियों ने कहा था कि नीरज भाई ने कहा कि वो जाएंगे, अरुण श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, विजय प्रताप जी हर समय जब बिहार में कार्यक्रम होता है उसके अंदर समय देते ही हैं, लेकिन आप लोगों में से भी और भी साथियों को इसके अंदर समय देना चाहिए, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने कल जब चर्चा की थी तो हमारा जब इस कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में सच्चर साहब का भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा उसको लेकर ही जब हम कल लोग बातचीत कर रहे थे तो हमारा ये हुआ था कि हम लोग जो हम समाजवादी संस्थाओं के साथ में जुड़े हुए साथी हैं, हम लोग अपने अपने संस्था के प्रभाव क्षेत्र के अंदर सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए, जो अभी बताया था 18 पॉइंट्स है, हमारे कई साथियों ने इसके बारे में बोला भी था, कम से कम उसको लेकर के हम लोग सम्मेलन आयोजित करें क्योंकि वो भी एक संविधान का ही हिस्सा है, उसी को एक आगे उसका एक्सटेंशन है जो उन्होंने किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाउस के अंदर क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हाँ हम करेंगे, अगर कोई ऐसे साथी हो तो वो हाथ अपना खड़ा कर दे जो अपनी दम पर या अपने ऑर्गेनाइजेशन की दम पर इस पॉइंट को लेकर के कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर जो कार्यक्रम वो कर सकते हो। ऐसे कोई साथी है क्या? आप साथी भैया कुछ साथी नोट कर लेंगे, हाँ परमेश्वर भाई एक है, और कोई साथी है ना, उनसे पाटिल साहब कह रहे हैं तो आप करेंगे नोट करिए, अन्ना खंडारे जी है ना, सुभाष बारे जी करेंगे, और यूनुस भाई करेंगे, और जिना शौकत अली जी करेंगे, सुशीला ताई मोराड़े जी करेंगे, संजीव भाई भी एक करेंगे, और ये समागम के हमारे कन्वीनर साहब भी करेंगे, कलमे जी भी करेंगे, और कोई साथी है क्या? अच्छा नारकर जी बंबई के अंदर करेंगे, तो ऐसे लगता है शायद 12-15 साथियों के नाम आए हैं, और मैं फिर से उसको रिपीट करना चाहूंगा कि हम लोग सभी जो हम समाजवादी संस्थाओं में जुड़े हुए संगठन हैं उनको जरूर ही अगले 2-3 महीने के अंदर अपना खुद की ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के अंदर इस काम को करना चाहिए, एक तो ये सुझाव था। दूसरी बात यह है कि एक शिविर का मसला, क्या कोई ऐसे साथी हैं जो इसको लेकर के संविधान को लेकर के शिविर आयोजित कर सकते हैं? मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं एसएन जोशी फाउंडेशन को, बधाई देना चाहता हूं विशेष तौर पर भारत जी को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों को सेंसिटाइज करने का काम कि संविधान को लेकर के हमको काम शुरू करना चाहिए उसके पीछे आप लोगों की प्रेरणा रही है। बाद में फिर नीरज जी और साथियों के बारे में मालूम पड़ा, लेकिन आप लोगों ने 200-400 सभाएं पूरे मतलब महाराष्ट्र के अंदर की, तो पूरे देश के अंदर जब हम केवल सुनकर के जब पूरे देश के अंदर साथियों को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा चल रहा है, और तब सबको लगा कि हमारी भी इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, और तब ही ये तय किया कि इस तरीके का कोई सम्मेलन किया जाए ताकि जो कुछ यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं वो पूरे देश के स्तर के ऊपर बढ़ सके।
तो मेरा कहना है कि उसको करने के लिए कुछ एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो टीम तो यहाँ पर है, जो वक्ता उन्हें यहाँ पर पूरे सुबह से लेकर शाम तक बात की, मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे 30-40 वक्ता हैं जो सशक्त तौर पर संविधान को लेकर के आपके बीच में बोल सकते हैं। मेरे से बारे भी कह रहे थे कि ऐसी सूची बननी चाहिए, तो वो सूची तो आज आपकी बन गई, लेकिन ऐसे कोई साथी क्या शिविर आयोजित कर सकते हैं? मतलब 50-100 लोगों का शिविर, कोई बहुत बड़ा शिविर नहीं, लेकिन संविधान के इर्द गिर्द संविधान को समझाने के लिए, उसके प्रस्तावना को समझाने के लिए, और जो उसका सबसे बड़ा सार है कि हम लोग अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कराना चाहते हैं और आज के बजट के अंदर क्या होना चाहिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए या तमाम चीजों के लिए, क्या ऐसे कोई साथी है जो यहां पर शिविर करने का ऑफर दे सकते हैं? देखिए भाई, सुशीला ताई मोराना जी कह रहे हैं कि एक शिविर भीड़ के अंदर वो लेंगे, नोट कर रहे हैं वहां पर गुड्डे। हाँ, और कोई साथी? अहमदनगर के अंदर एक यूनुस भाई ने कहा है कि वो एक शिविर लेंगे, पहले भी हुआ है, लेकिन वो तो और नए नए लोगों के साथ में होना चाहिए। मेरा कहना है कि महाराष्ट्र के ही साथियों ने कहा, कहीं और बाहर के साथी 6-7 राज्यों के साथी आए हैं, और भी कोई ना कोई साथियों को आगे आना चाहिए, या महाराष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि बाबा साहब यहाँ पर थे इसलिए उन्हीं की प्राथमिक जिम्मेदारी है, ऐसा करके मान लिया गया है क्या? हाँ, के अंदर हुआ था मेरे लिए कह रहे हैं, तो एक मैं भी कहता हूँ कि हाँ, शिविर हम जो है अपने आप मध्य प्रदेश के अंदर एक लेंगे। भुवनेश्वर में तय हो गया है, 16 जून के आसपास से तय हुआ है, उसकी तारीख और फिक्स कर लेंगे। हाँ ठीक है, उड़ीसा का शिविर पहले से प्लान हुआ है। और कोई साथी है जो शिविर ले सकते हैं? केरला के अंदर साथी शशि भाई और जो साथी है केरला के, आप लोग क्या कुछ शिविर वहां पर कर सकते हैं? कैन यू ऑर्गेनाइज अ कैंप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इन योर ओन एरिया? ओके, है ना, तो एक आप लोग केरल के अंदर भी हम लोग एक शिविर करेंगे। और कोई साथी अगर कोई अच्छा गुजरात के अंदर पालनपुर के अंदर तो सम्मेलन का कह के गए, शिविर के बारे में भी बात हुई होगी उनसे, किताब को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो साथियों, ये मोटे तौर पर शिविर के बारे में बात हुई। अब मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम लोगों का ये 17 मई वाला कार्यक्रम है, कल हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग हम समाजवादी संस्थाओं की ओर से कम महाराष्ट्र के 50 साथी पहुंचेंगे दिल्ली के उस कार्यक्रम में, और लगभग 50,000 रुपए इकट्ठा करके देंगे। तो देने के बारे में तो बात हो गई, लेकिन वो पैसा आएगा कहां से? तो मेरा अनुरोध ये है कि साथियों को उसके अंदर सोचना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए 17 मई के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से पूरा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, उसमें 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ऐसा नहीं हो कि यहाँ के बारे में साथी पूछने लगे कि भाई पूना के खर्चे का क्या होगा, हम लोग मान के चलते हैं कि पूना वाले लोग तो सेल्फ सफिशिएंट कर लेंगे, है ना जी, आपको जाने देंगे। तो साथियों, मैं केवल आपसे आग्रह कर रहा हूं, अभी कोई कमिटमेंट यहाँ से नहीं चाहता, लेकिन आप अपनी संस्था की ओर से या व्यक्ति के तौर पर उस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए भी, और उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट भी करने का काम करें। इसके साथ में मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो सोशलिस्ट मैनिफेस्टो वहां पर जारी करने का जो तैयार फैसला किया है कि हम देश के सामने सोशलिस्टों की ओर से क्या रखना चाहते हैं 2019 ही नहीं, आने वाले समय के लिए, क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है, 34 का एक एजेंडा था, आज हमारा एजेंडा क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं दलितों के बारे में, क्या सोचते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के बारे में, या पर्यावरण के बारे में, इस तरीके से 12-15 सब्जेक्ट हम लोगों ने तय किए हैं। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आपके कोई भी सुझाव इस तरीके के होंगे तो वो सुझाव आप भेजने का काम अगर हमारे पास में 30 तारीख के पहले अगर करेंगे, तो 30 तारीख के पहले अगर आपको सुझाव जो भी होंगे, 2 तारीख को उसकी एक तैयारी समिति की बैठक हिंद मजदूर सभा के कार्यालय के अंदर होगी दिल्ली के अंदर, तो वो सब चीजों को हम लोग जो है मतलब ऑन रिकॉर्ड लेकर के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि जो 17 मई का जो ड्राफ्ट हो उसमें जो एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के की तरफ से यहाँ पर विजय प्रताप जी भी यहाँ पर हैं, अरुण श्रीवास्तव जी यहाँ पर भी हैं, तो सब लोग मिलकर के जो तय करेंगे
वो फिर पूरे देश के सामने जा सकेगा, तो वो जो सुझाव है कृपया करके आप जो ऑर्गेनाइजर्स का नंबर आपके पास में है, ईमेल एड्रेस आपके पास में है, जो सर्कुलेट हुआ था उसके अंदर गुड्डी जी का एक नंबर है, उनका ईमेल है या निश्चय जी का है नंबर, है ना, दो लोगों के नंबर है और ईमेल एड्रेस भी है, तो उसी को एक बार देख लें और वहीं पर अपने आप सुझाव भी आप भेजने का काम करें। साथियों मैं ये आपसे और कहना चाहता हूं कि जो सुबह से लेकर शाम तक हमने बातचीत की, अभी इसका समापन होना बाकी है और हम लोग समापन सत्र के अंदर डॉक्टर जीजी पारेख जी के विचार सब लोग सुनना चाहते हैं, अरुण श्रीवास्तव जी के, सुशीला ताई मुरारे जी के और राजू शेट्टी जी ने वायदा किया था और उन्होंने एक बार नहीं 10 बार वायदा किया था कि मैं पहुंच रहा हूं। सुबह से वो सतारा में थे जब फोन किया, फिर विरज के अंदर, तो अभी तक पहुंचे नहीं है। अगर वो आएंगे तो अपनी बात रखेंगे, नहीं आएंगे तो हम लोग जो हमारे और साथी हैं उनकी बात समापन के अंदर सुनेंगे। मैं आपसे साथियों ये कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर मेरा कहना यह है कि स्थिति जितनी मतलब निराशाजनक बताई जा रही है उतनी निराशाजनक मैं नहीं मानता, क्योंकि 3169 का अभी भी अंतर है। मतलब जिस दिन मोदी की जीत हुई थी, जिस दिन सरकार दिल्ली की बनी थी, उस दिन भी 31% और 69% का अंतर था। मतलब जो लोगों ने सरकार को या मोदी जी को रिजेक्ट करने का काम किया वो 69% थे और आज वो स्थिति जो है वो लगातार डिक्लाइनिंग फेज में है। और ये बात का जिक्र यहाँ पर हुआ कि एक समय ऐसा था कि सोशल मीडिया के अंदर लोग ट्रॉल करते थे, लोग जो है एक तरीके से बिल्कुल अशीशन टाइप जो है कूद पड़ते थे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है और आज ऐसी स्थिति बनी है। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि मैं फेक न्यूज को लेकर के एक फैसला हुआ भारत सरकार का कि फेक न्यूज को लेकर के अगर कोई पत्रकार लिखेगा तो फिर उसको लेकर के भारत सरकार ने फैसला किया गिरफ्तारी को लेके या जो भी कुछ उसकी रेपुटेशन खत्म करने को लेके। लेकिन केवल सोशल मीडिया का कैंपेन चला और 12 घंटे के अंदर खुद मोदी को ट्वीट करके अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। मतलब जो एक 56 इंच के सीने की बात चल रही थी वो श्रिंक होते होते, वो चुनौती कहां से हुआ था आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जेएनयू से हुआ था कि जेएनयू जो है राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा है और क्या क्या सब उनके ऊपर आरोप लगे थे और बाद में साबित हो गया कि पूरा जी न्यूज के स्टूडियो के अंदर पूरा फेक सब कुछ तैयार किया गया था। अररिया को लेकर भी पूरा ऐसा हुआ। मेरा मतलब है कि एक के बाद एक घटना, आप याद करिए कि एक रवीश कुमार का एक दिन का एनडीटीवी को बंद करने की बात हुई थी लेकिन उसको भी वापस लेना पड़ा। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार को एक के बाद एक कदम पीछे हटाने पड़ रहे हैं। ये बात शुरू कहां से हुई थी, सबसे पहले आकर के किसानों को लेकर के उन्होंने भूमि अधिकार को लेकर के 3 बार अध्यादेश लाया था और देश के किसान संगठनों ने जन संगठनों ने खड़े होकर के उसको वापस लेने के लिए मतलब उसको निरस्त करना पड़ा, उसको वो आगे नहीं ले जा पाए। तो मेरा एक तो कहना यह है कि वातावरण बदल रहा है, लोग खिलाफ में खड़े हो रहे हैं और इसके साथ साथ में एक व्यापक एकजुटता बन रही है और व्यापक एकजुटता की सबसे बड़ी मिसाल यह है देश भर के किसान संगठन अलग अलग काम कर रहे थे लेकिन 192 किसान संगठन 192 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन मिल करके अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बना करके एक साथ 2 सवालों को लेकर, कर्जा मुक्ति का सवाल और लागत से 1.5 गुना मूल्य का सवाल, इसको लेकर के उन्होंने न केवल 3 लाख किसानों की किसान संसद की 10,000 किलोमीटर की यात्रा भी की, 500 सम्मेलन भी किए और 2 बिल भी तैयार किए और अब उन बिल को लेकर के आर पार का संघर्ष देश भर के किसान संगठन कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसी महाराष्ट्र के किसानों ने उसको लीड करने का काम किया है, चाहे वो पूना से दिल्ली की आपकी बंबई की जो यात्रा थी वही जो राजू शेट्टी के नेतृत्व में और सुकाणु समिति के नेतृत्व में निकली थी या उसके बाद में अभी जो जिसको एक लाल मार्च कहा गया वो जो किसानों का एक मार्च था, तो एक जबरदस्त जागरूकता पूरे देश के किसानों में बनी है, किसानों की एकजुटता बनी है। और उसी तरीके से श्रमिकों ने वहां पर 3 दिन का एक कार्यक्रम बंबई के अंदर किया था, 1 लाख से ज्यादा श्रमिक 3 दिन तक वहां पर थे, हालांकि मीडिया ने उसका ब्लैकआउट करने का काम किया। आप लोगों ने दलितों का SC ST की एकजुटता का आपने एक छोटा सा आपने एक प्रमाण देखा 2 तारीख को देखा, यही था ना कि SC ST का जो है अत्याचार विरोधी अधिनियम है उसमें कुछ छेड़खानी करने की बात थी और वो छेड़खानी किसी कोई सरकार ने नहीं की थी, वो छेड़खानी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था लेकिन उसको लेकर भी इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, इतनी जबरदस्त एकता हुई कि अकेला 2 अप्रैल का जो एक
बड़ा भारत बंद का कॉल, जिसके अंदर पीछे कोई बहुत बड़े संगठन नहीं थे, कोई पार्टियां नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और छोटे छोटे संगठनों ने मिलकर के एक बड़ी ताकत खड़ी की। उसके अंदर भी 12 जो है साथियों की कुर्बानी हुई उस भारत बंद के लेकर के, लेकिन एक जबरदस्त जागरूकता का निर्माण हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, इसको ये छोटी बात नहीं है कि उसके जवाब के अंदर, उसके जवाब में नीरज जी 2 मिनट ठहर जाइए, घड़ी मैं देख रहा हूं सामने, उतना जो है उसका एक परिणाम हुआ। परिणाम यह हुआ कि जो बात 10 तारीख के भारत बंद की बात थी, उसको ओन करने के लिए हिंदुस्तान की कोई पार्टी कोई संगठन सामने नहीं आया। ये एक बड़ी जागरूकता इस देश के अंदर पैदा हो रही है और इसको हमको अंडरलाइन भी करना चाहिए और इससे हम लोगों को एक आशा भी पैदा होनी चाहिए कि परिस्थिति इतनी विकट नहीं है जितनी निराशाजनक बहुत सारे लोग, विशेष तौर पर जो बौद्धिक लोग हैं जिनका फील्ड से कम रिश्ता है, जिनको लगता है कि भाई क्योंकि मीडिया तो सब कुछ सरकार के साथ में मेन स्ट्रीम मीडिया चलता है, पूरी टेलीविजन डिबेट उन्हीं के हिसाब से, पहले हिंदू मुसलमान वाले खांचे से चल रहा था, भारत पाकिस्तान के खांचे से चल रहा था, अभी जो है जो कास्ट वाला चला उसमें अपर कास्ट और जो है दूसरे कास्ट को लेकर के चलने लगा, लेकिन इस सबके बावजूद भी बहुत ही मुझे लगता है यह है कि लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोगों के अंदर इस सरकार को ने जो कुछ भी एक कलह पैदा किया है, अशांति पैदा की है, उससे लोग, आम लोग परेशान हैं। और जो बात कहा था बाले जी ने कि लोग तो मध्यम मार्ग से चलना चाहते हैं, लोग शांति से अपना जीवन बिताना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि ये सरकार जब तक रहेगी तो अब ये हर किस्म से हम लोगों को जीना ही हमारा हराम कर देगी, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके गौ हत्या, मतलब गौ रक्षकों के द्वारा जो हत्याएं हो रही है उससे लेकर के अलौजाद तमाम किस्म की बातों को लेकर के हमको केवल इसे कंसोलिडेट करने की बात है। और ये कंसोलिडेशन के अंदर ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि 1:1 का ही पूरा एक फॉर्मूला काम कर सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो अभी चुनाव हुए उस चुनाव के अंदर क्या निकला, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ, फूलपुर के अंदर जो चुनाव हुआ, गोरखपुर में चुनाव हुआ, जहां से ये हमारे अरुण श्रीवास्तव जी आते हैं, गोरखनाथ का मंदिर है, 250 कर्मचारी है खुद योगी के, लेकिन वहां पर जो वोट पड़ा 1750 वोट पड़ा वहां पर समाजवादी पार्टी को और 50 वोट भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उस बूथ के ऊपर नहीं मिला जो कि गोरखनाथ मंदिर का या मठ का बूथ है। मेरा मतलब यह है कि वातावरण पूरे तरीके से बदल रहा है और एक व्यापक विपक्षी एकता भी बन रही है। हमारे लिए बड़ा सवाल यह है कि हम लोग कोई कांग्रेस को कंधे पर बैठा करके और उसकी वापसी के लिए हम लोग काम करने को तैयार नहीं है। और ये राइडर मैं इसलिए जानबूझ करके डाल रहा हूं क्योंकि मुझको लगता है कि ये बात हमको बार बार कहनी पड़ेगी, कांग्रेस को अपने को बदलना पड़ेगा। कांग्रेस की जो पॉलिसी थी या जो उसका भ्रष्टाचार था या जो उसका परिवारवाद था, जो भी कुछ उसका था, मोदी उसकी देन है, ये बात तो हमारे को भूलने का नहीं है। और इसीलिए हम लोग सेकुलर जो है फोर्सेस के साथ में काम करेंगे, हम लोग प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ में काम करेंगे, हम लोग आरएसएस संघ परिवार के खिलाफ में, हम लोग अडानी के मॉडल के, मतलब मोदानी मॉडल के खिलाफ में काम करेंगे, लेकिन ये लगातार कहते रहेंगे कि तुमको सुधरना पड़ेगा, तुमको अपनी नीतियों के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तुमने ही जो किया है उसी के चलते ये लोग संघ परिवार का आज कब्जा दिल्ली के अंदर बना है। इस राइडर के इस्तेमाल किए बिना मुझे नहीं लगता है कि आंख बंद करके हमको किसी को समर्थन देने का काम करना चाहिए। अब मैं अपनी बात, ये सत्र बहुत अच्छा रहा और सभी साथियों ने बहुत अच्छी विचार और अपने सुझाव यहाँ पर रखे, मैं सभी वक्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और अब समापन सत्र यहाँ पर होगा, उसका संचालन हमारे जो साथी करेंगे वो आपके बीच में उसके बारे में जानकारी देंगे।